हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हिमाचल स्पेसिफिक थर्ड वीक ऑफ अगस्त के। सो थर्ड वीक ऑफ अगस्त का जो पहला करंट अफेयर है दैट इज़ रिलेटेड टू अ डिस्ट्रिक्ट दैट इज़ ऊना डिस्ट्रिक्ट। सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ कि ऊना डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट प्लेस मिला है इन इम्प्लीमेंटिंग अ स्कीम। अब देखिए, इसको फर्स्ट प्लेस मिला है स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें और पूरे कंट्री के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो इसका जो प्लेस है दैट इज़ सेकंड प्लेस इन इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम। अब ये जो स्कीम है ये आपने ज़रूर याद रखनी है, द स्कीम इज़ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2020-2021, राइट। सो ये जो स्कीम है, ये स्कीम के तहत क्या होता है कि जो भी लैक्टेटिंग वुमेन है उनको बेसिकली रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है अपने नियर बाय आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर, और वहाँ पे अगर वो एलिजिबल होती हैं तो उनको कैश इंसेंटिव मिलता है अपनी डिलीवरी से पहले कुछ टाइम के लिए और डिलीवरी के बाद, राइट। ये स्कीम का पूरा कॉन्सेप्ट है ताकि उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले, फाइनेंशियल हेल्प मिले। तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में ऊना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपने बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है। अब मैं इसके ऊपर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में दिखाया जा रहा है कि एक लिस्ट बना के इसमें फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इस डिस्ट्रिक्ट ने इतना परफॉर्म किया है, व्हाट इट एग्जैक्टली शोइंग, इट शोज़ कि यहाँ पे फेडरलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, विच इज़ वी कॉल इट एज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है। सो व्हाट वी कॉल इट एज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है। सो बेसिकली पहले कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए ये सारी लिस्टिंग की जाती है ताकि एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ सीखे और आगे प्रोग्रेसिव थॉट के साथ इंप्लीमेंट करे जितने भी प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स है, अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया, कैश इंसेंटिव दिया जाता है, लैक्टेटिव वुमेन्स को दिया जाता है, और इसके तहत जो है लेट्स सी व्हाट आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अब कौन एलिजिबल है इस स्कीम के तहत, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जितनी भी एक्सपेक्टिंग एंड लैक्टेटिंग फीमेल्स हैं, मदर्स हैं, एक्सपेक्टिंग एंड लैक्टेटिंग, राइट। बट इसके अंदर वो फीमेल्स इंक्लूड नहीं है जो विच आर रेगुलर एम्प्लॉय, ठीक है, जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयमेंट में है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, हिमाचल गवर्नमेंट के साथ, या फिर यूनियन गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, राइट। इसके अलावा एक चीज और याद रखें कि जितनी भी फीमेल्स हैं जो रेगुलर गवर्नमेंट के साथ हैं, रेगुलर पीएसयूज के साथ हैं, मतलब रेगुलर एम्प्लॉय हैं पीएसयूज के साथ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ, वो भी इसके अंदर नहीं आती, राइट। और इसके अलावा जो और भी फीमेल्स हैं जो इस तरीके का बेनिफिट जो है किसी और स्कीम से या किसी और लॉ से उठा रही हैं, दोज आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कीम विच इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अंडरस्टैंड। तो बाकी जितनी भी हैं दे आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, राइट, ओके। नाउ इसके अंदर कैश इंसेंटिव हमने बात की कि मिलता है 5,000 कैश इंसेंटिव मिलता है, 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर मिलता है, पर मिलता तब है जब आप रजिस्ट्रेशन करा देते हो आपके कंसर्न्ड आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर, ओके। नाउ इसमें इतने सारे बेनिफिशरीज जो हैं उसको रजिस्टर किया, इतना सारा फंड जो है एलोकेट किया, दिस इज ओके। नाउ एक और चीज़ है जो आपने याद रखना है, दैट इज जो मल्टीपल स्कीम्स होती हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर एक और स्कीम है दैट इज वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस, उसके ऊपर जो है उसका रिव्यू किया गया, और उस रिव्यू के तहत, वो रिव्यू किस स्कीम के तहत किया गया, इट इज़ महिला शक्ति केंद्र स्कीम। तो इस स्कीम के तहत रिव्यू किया गया इन स्कीम्स का, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वन स्टॉप सेंटर फॉर डिस्ट्रेस फीमेल्स, तो उसमें भी जो हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट है उसने अच्छा परफॉर्म किया है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। सो ये एक इम्पॉर्टेंट और अच्छी न्यूज़ थी। नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट हिमाचल प्रदेश इज कि हिमाचल का रिसेंटली बेसिकली ये जो साल है 2021 का जो साल है वो साल है हिमाचल का गोल्डन जुबली ईयर ऑफ स्टेटहुड, राइट। तो गोल्डन जुबली ईयर ऑफ स्टेटहुड का ये गोल्डन मतलब 50 साल पूरे हुए हैं बेसिकली हिमाचल को स्टेटहुड मिला था, याद रखिएगा आप
इट इज 25th जनवरी 1971, ठीक है। सो हिमाचल 25th जनवरी 1971 में एक प्रॉपर स्टेट बना था। इससे पहले जो है वो इसकी कैटेगरी कुछ और थी। तो उसी के 50 साल इस बार कंप्लीट हुए हैं। तो उस 50 साल को एक तरीके से मनाने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, टू मेक श्योर कि आपने बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है, डेवलपमेंट किया है, प्रॉस्परस हुए हैं हम लोग, तो उस सिचुएशन में ये डिसाइड किया गया गवर्नमेंट के थ्रू कि हम लोग पूरे साल भर 51 इवेंट्स जो हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऑर्गेनाइज करेंगे, राइट। अब हर डिस्ट्रिक्ट का अपना कुछ थीम होता है, अपना कुछ यूनिकनेस है। तो इन इवेंट्स के अंदर वही डिस्ट्रिक्ट की जो यूनिकनेस है उसको शोकेस किया जाएगा, अंडरस्टैंड। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे आप। तो स्वर्णिम जो रथ यात्रा है उसके तहत क्यों किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ 50 साल जो है स्टेट के एज अ स्टेट कंप्लीट किए हैं हिमाचल ने, तो ये चीज के अंदर इसको किया जा रहा है। नाउ इसके अंदर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि गवर्नमेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करेगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा, और ज्यादा से ज्यादा जो है एक 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 रिलेशनशिप, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप की फीलिंग आएगी जो पीपल हैं, जो हिमाचल के लोग हैं और गवर्नमेंट है, ताकि एक कोलैबोरेशन रहे, अच्छी कोलैबोरेशन रहे टूवर्ड्स डेवलपमेंट, राइट। नाउ हिमाचल जो है 18th स्टेट बना था 1971 में, 18th स्टेट। आपने मुझे ये जरूर बताना है कमेंट के अंदर कि कौन सा स्टेट था जो 16th स्टेट बना, स्टेटहुड उसको मिला, कौन सा है जिसको 17th स्टेटहुड मिला, राइट। बिकॉज ये रिसेंटली हरियाणा का सिविल सर्विसेज हुआ था प्रीलिम्स, उसके अंदर ये पूछा गया था चार ऑप्शंस के अंदर कि आप बताइए कि किसको पहले मिला स्टेटहुड, किसको बाद में मिला। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा हिमाचल को 1971 में ये स्टेटहुड मिला, बट इससे पहले 1948 की बात करेंगे तो उस टाइम पे हिमाचल में हिमाचल को बनाया गया 30 प्रिंसली स्टेट्स थे जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनको इकट्ठा करके बेसिकली इसको एक सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी बनाया गया, 1948 के टाइम पे, और रिसेंटली इसने जो है अब्सॉर्ब किया है 50th स्टेटहुड डे, राइट। चलो इतना आपने पढ़ लिया, अब इसके अलावा एक और चीज पढ़ते हैं, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू यूथ, समथिंग रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, राइट। सो हिमाचल जो है काफी अच्छा परफॉर्म किया है इसने एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर, क्योंकि इसके पास है 70% एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयड पीपल हैं। अब देखिए एक चीज याद रखिए, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, सो WPR जो है वर्कर पॉपुलेशन रेशो, इसके तहत अगर बात करें तो इट इज बेसिकली डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन पॉपुलेशन, या फिर प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग एज ग्रुप, ठीक है। सो जितना परसेंटेज ऑफ वर्कर है जितना भी वर्किंग एज ग्रुप के अंदर, दैट इज एम्प्लॉयड, जो कि एम्प्लॉयड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वर्क फोर्स वाइटलिटी का। दैट मीन्स वॉट, कि कितनी आपकी एनर्जी है टू डू अ सर्टन टास्क, ठीक है। इट इज अ हेल्दी कैपेसिटी फॉर डूइंग सम विगरस एक्टिविटी, राइट। तो इस कैटेगरी के अंदर की वर्क फोर्स वाइटलिटी को चेक करने के लिए, या ये जो इंडिकेटर है इसका सबसे इंपॉर्टेंट WPR है, राइट। जितनी भी वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें कितना परसेंटेज ऑफ यूथ है या वर्कर है जो एम्प्लॉयड है, जो एम्प्लॉयड है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हमारा वर्किंग वर्क फोर्स वाइटलिटी ऑब्वियसली होगा, जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग, हेल्दी कैपेसिटी ऑफ डूइंग सम वर्क, विगरस वर्क, राइट। तो इस WPR के अंदर बिहार जो है वो लोएस्ट है WPR, जिसका 39.7% है। ये आपके GS के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टेटमेंट फॉर्म में ये पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, राइट। सो बिहार लोएस्ट परफॉर्म कर रहा है। अगर हम लोग हिमाचल की बात करें तो हिमाचल जो है प्रोग्रेसिवली परफॉर्म कर रहा है, प्रोग्रेसिवली इन द सेंस इसका जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो जंप हुआ है 63.9%, जो पहले था अब 70.5% हो चुका है, और ये जो है ये आगे जाके और भी अच्छा परफॉर्म करते हुए टॉप स्लॉट जो है इसने पकड़ के रखा हुआ है, तो इतना आप जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, चाहे वो पंजाब हरियाणा की बात करें, तो क्या वो ऊपर उठे हैं या वो फॉल हुए हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। दे फॉल बिलो द नेशनल एवरेज, दिस इज इंपॉर्टेंट।
तो पंजाब हरियाणा दोनों के दोनों जो है नेशनल एवरेज जो है नेशनल एवरेज से भी नीचे उन्होंने परफॉर्म किया है, ये ज़रूर याद रखेंगे। उत्तराखंड का WPR बात करें तो बेसिकली 49.5% है। इसके अलावा UT ऑफ चंडीगढ़ जो है वो 45.5% है, क्लियर। और जम्मू कश्मीर की बात करें हायर देन द नेशनल एवरेज, तो क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा पंजाब जो है उसका हायर देन द नेशनल एवरेज है WPR, और जम्मू कश्मीर का लोअर देन द नेशनल एवरेज है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मैंने उल्टा बोल दिया, जम्मू कश्मीर का हायर देन द नेशनल एवरेज है और पंजाब हरियाणा का लोअर देन द नेशनल एवरेज है WPR, अंडरस्टैंड। तो आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रिलिम्स में भी, और आप एक एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं इन फैक्ट्स को यूज करके इन GS के अंदर, राइट। नाउ इसके अलावा एक और अच्छी न्यूज है हिमाचल के लिए, दैट वी हैव 99% वैक्सीनेटेड पीपल, 99% लोगों को अब वैक्सीन लग चुकी है। यह हमारे CM है, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी है एंड एक थैंक मतलब एक अप्रिशिएशन किया है डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, कि उन्होंने इस तरीके से परफॉर्म किया। इनफैक्ट यहाँ पे आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, बिकॉज दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्स, है ना, पहला रिस्पॉन्स उन्हीं से होता है लोकल लेवल पे। तो बेसिकली पैंडमिक के टाइम पे उन्होंने बहुत तरीके से परफॉर्म किया, हमारी जो आंगनवाड़ी है वर्कर्स उन्होंने बहुत तरीके से परफॉर्म किया, बट इसमें लोग डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट योगदान है। नाउ व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज हिमाचल बिकेम द फर्स्ट स्टेट, हिमाचल बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू वैक्सीनेट ओवर 99% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन। जिसको भी देने ज़रूरत है, जो एलिजिबल है उसको जो है ये हिमाचल जो है ये फर्स्ट उसको वैक्सीनेटेड कर दिया गया है, याद रखेंगे इसको। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई इट इज़ हैपनिंग लाइक दिस वे, जो कि आज के टाइम पे आपने इश्यूज देखे होंगे जहाँ पे बात की जाती है, इट टॉक्स अबाउट वैक्सीन हेजिटेंसी। किसकी बात की जा रही है? वैक्सीन हेजिटेंसी की, क्योंकि लोग जो है, या वैक्सीन स्टिग्मा, है ना, स्टिग्मा हो गया है कि वैक्सीन लगाने से ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, या लोग वैसे भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे अगर वैक्सीन लगवा भी ली तो भी क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें जो है हेजिटेंसी दिखा रही है टूवर्ड्स वैक्सीन, राइट। बट हिमाचल का इस तरीके से परफॉर्मेंस इसीलिए रहा, इसका मेजर रीजन है बिकॉज ऑफ दी लिटरेसी दैट हिमाचल पीपल हैव, मतलब दे आर लिटरेट पीपल, काफ़ी हद तक उनकी लिटरेसी अच्छी है। तो इस वजह से ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी का पॉइंट था या स्टिग्मा रहता है टूवर्ड्स वैक्सीनेशन वो बहुत ही कम था, इसीलिए ये 99% जो है वैक्सीनेटेड एलिजिबल पॉपुलेशन का हो चुका है, राइट। तो आप ज़रूर इसको ध्यान में रखेंगे, ओके। नाउ एक और अच्छी चीज़ है, IGMC आप जानते हैं, दैट इज़ इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है इसका एक डिपार्टमेंट है, दैट इज़ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट। इन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली फर्स्ट अवेक क्राइनोटॉमी ऑपरेशन किया है, फर्स्ट अवेक क्राइनोटॉमी ऑपरेशन किया है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे ज़रूर कि ये ऑपरेशन होता क्या है और ये किया किसने है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। IGMC ने किया है, इसका जो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है उसने ये ऑपरेशन किया है, जिसके तहत क्या किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है पेशेंट को बगैर सुलाए, राइट। वो जागा होता है और उसका जो ट्यूमर है उसको रिमूव किया जाता है पर्सन के ब्रेन से, ठीक है। एंड वो जो पर्सन होता है वो अवेक होता है ड्यूरिंग द इंटायर कॉम्प्लेक्स सर्जरी, राइट। तो इसे ही अवेक क्राइनोटॉमी कहा जाता है, याद रखेंगे। ये पहली सर्जरी है इस तरीके की जो हिमाचल में की जा रही है, फर्स्ट सर्जरी इस तरीके की है जो हिमाचल स्टेट के अंदर की जा रही है, और नॉर्थ इंडिया का कोई ऐसा पहला ही मेडिकल कॉलेज है जो इस तरीके की सर्जरी को कंप्लीट सक्सेसफुली खत्म कर रहा है, अंडरस्टैंड। सो ये एक अच्छी न्यूज है। इसमें आपने याद जरूर रखना है कि जो क्राइनोटॉमी ऑपरेशन होता है वो होता क्या है। नाउ अवेक क्राइमोटॉमी होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। दैट इट इज़ अ न्यूरो सर्जिकल टेक्निक जहाँ पे सर्जन जो है वो क्या करता है, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर है उसको रिमूव करता है जब पेशेंट जो है वो अवेक रहता है, तो अवॉइड द ब्रेन डैमेज। तो ब्रेन डैमेज को अवॉइड करने के लिए पेशेंट को अवेक रखा जाता है और वहाँ से फिर जो है ब्रेन ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाता है, क्लियर हो गया।
तो इस सर्जरी के टाइम पे न्यूरोसर्जन परफॉर्म्स कॉर्टिकल मैपिंग टू आइडेंटिफाई वाइटल एरियाज. कॉर्टिकल मैपिंग की जाती है वाइटल एरियाज को रिमूव करने के लिए. कॉल द इलोक्वेंट ब्रेन दैट शुड नॉट बी डिस्टर्ब वाइल रिमूविंग द ट्यूमर. तो बिल्कुल आपने ये याद रखना है, दीज आर द साइंटिफिक टर्म्स. इस बार जो है वैसे जनरली देखा जाता है कि जनरल साइंस जो है वो एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होती है प्रिलिम्स की, जो स्टेट सिविल्स होते हैं, बट आज के टाइम पे थोड़ी साइंस एंड टेक भी पूछी जा रही है. तो बिल्कुल दिस इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आपको ये चीज़ पता हो, राइट. चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में. चंबा में क्या हो रहा है? चंबा में अब रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया जाएगा पैराग्लाइडिंग इवेंट. पैराग्लाइडिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा अक्टूबर के महीने के अंदर, राइट. सो ये जरूर आपने ध्यान देना. अब ये जो इवेंट है ऑब्वियसली इस इवेंट को एसोसिएट किया जाएगा जो हमारा हिमाचल है जो 50वां स्टेटहुड सेलिब्रेट कर रहा है उसी के साथ उसको एसोसिएट किया जाएगा, ठीक है. तो इसी सीरीज के अंदर जो सेलिब्रेशन है दैट इज स्वर्णिम हिमाचल एंड चलो चंबा कैंपेन. तो ये कैंपेन जो है जिसके तहत ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा पैराग्लाइडिंग, विच इज चलो चंबा कैंपेन. इट इज अ नेशनल लेवल पैराग्लाइडिंग, नेशनल लेवल पैराग्लाइडिंग एंड ड्रैगन बोट रेस कॉम्पिटिशन होगा जो चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा अक्टूबर मंथ के अंदर, अंडरस्टैंड, ठीक है. अब ये आप जरूर याद रखेंगे. आप ये भी चीज बताएंगे कि हिमाचल के अंदर, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया के अंदर या ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, हिमाचल के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत ही खास जगह है जहाँ पे इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग इवेंट्स होते हैं. तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट के अंदर कि वो जगह कौन सी है जहाँ पे इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग इवेंट्स होते हैं. चंबा इज़ फेमस बट वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप ज़रूर बताइएगा. अब ये जो पैराग्लाइडिंग कॉम्पिटिशन है जो अक्टूबर के महीने में होगा, ये खजियार प्लेट्यू एक टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला रीजन है जहाँ पे होगा. और साथ ही साथ ड्रैगन बोट रेस जो है वो तलेरू ऑन द बैंक ऑफ चमेरा लेक इन द डिस्ट्रिक्ट होने वाला है. तो इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट येस आप ज़रूर याद रखें कि खजियार जो है ये न्यूज़ में आ चुका है ना. तो खजियार के बारे में आप स्टैटिक जो पोर्शन आपका ज्योग्राफी का है वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं खजियार एग्जैक्टली क्या क्या इसके फीचर्स हैं. नाउ यू व्हाट बेस्ट यू कैन रीड अबाउट इज चमेरा लेक आल्सो, कि ये कौन सी रिवर के ऊपर है. ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में चीज़ें आ रही हैं, ठीक है. तो ये इस तरीके से आपने याद रखना है कि ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए काम के होगा, ठीक है. 50 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जर्नी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी जो हमने अभी रिसेंटली बात की. इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन होगी इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान. और एक चीज़ और भी है, दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज़. तो आपको पता है हिमाचल जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रग मेनेंस जो है, काफ़ी ज़्यादा ड्रग मेनेंस जो है वो आज के टाइम पे देखा जाता है. आप न्यूज़पेपर खोल के देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ लोग दिखेंगे, यूथ दिखेगा जो बेसिकली ड्रग पेडलर बन चुका है या ड्रग एब्यूज़ कर रहा है इस तरीके से. सो ड्रग एब्यूज़ के इफ़ेक्ट्स को अवेयर करने के लिए कि ये सारी चीज़ें हैं इससे इफ़ेक्ट हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस चीज़ के अंदर अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाएगी. क्लियर हो गया? चलिए अब एक और चीज़ है जो आप याद रखेंगे, दैट इज़ मनी महेश यात्रा. बहुत ही फेमस यात्रा है ये, बट इस बार क्या है, बिकॉज कोविड की वजह है, पैंडमिक हो रहा है, इसकी वजह से अभी हिमाचल तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है एज फार एज द केसेज आर कंसर्न. हिमाचल ने बहुत प्रोग्रेसिवली अपने जनता को जो एलिजिबल है उसको वैक्सीनेट कर दिया, लेकिन फिर भी खतरा तो अभी भी है इसका, कोविड का. तो इसीलिए इस बार जो है मनी महेश यात्रा को केवल केवल एक रिचुअल पर्पसेस के लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ना कि एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया जाएगा, बट जस्ट टू बी अ रिचुअलिस्टिक दिस ईयर, राइट. तो अब ये याद रखेंगे, मनी महेश यात्रा न्यूज़ के अंदर आ चुकी है, आई है. इस यात्रा के तहत जो है केवल रिचुअलिस्टिक मैनर के तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, नॉट मोर देन दैट. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस न्यूज़, इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लिए जाएंगे और फिर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, बट इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर शेड्यूल की गई है कब से कब तक, 30 अगस्त से लेके 13 सितंबर तक, 30 अगस्त से लेके 13 सितंबर. नाउ ये याद रखेंगे, इट इज़ क्लियर कट क्वेश्चन जो आपके प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है. जन्माष्टमी से लेके राधा अष्टमी तक इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, समझिए इसको, जन्माष्टमी से लेके 30 अगस्त से लेके 13 सितंबर तक, जन्माष्टमी से लेके अपना 13 सितंबर दैट इज राधा अष्टमी तक इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा. क्लियर हो गया? चलो
अब मणि महेश यात्रा जो है ये क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, लेट्स टॉक अबाउट दैट पॉइंट नाउ। ये जो यात्रा है ये बेसिकली थोड़ा सा भरमौर से थोड़ा 20 किलोमीटर दूर है बुद्ध हिल वैली के अंदर, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज एरिया है हिमाचल का, राइट। तो आप ये डेस्टिनेशन ज़रूर याद रखेंगे। ये जो मणि महेश यात्रा है इसमें जो हमारे लॉर्ड शिवा हैं वो प्रिसाइडिंग डाइटी हैं, चीफ प्रमुख देवता है, भगवान है ऑफ दिस होल फेयर या जत्रा इसको कहा जाता है। ये माना जाता है कि ये जो मणि महेश लेक है ये बेसिकली कहाँ पे है, कैलाश पीक जो है उसके पैरों पे है, मतलब ये जो लेक है ये फुट ऑफ कैलाश पीक के है, ये जो लेक पूरा का पूरा है याद रखेंगे। और यहाँ पे माना जाता है कि कैलाश, आपको पता है, इट इज़ नोन फॉर लॉर्ड शिवा, इनका यहाँ पे ये रिसाइड करते हैं, राइट, इस तरीके से। और साथ ही साथ ये माना जाता है जिस तरीके की आकृति है उस मणि महेश लेक की, वहाँ पे जो रॉक स्ट्रक्चर है वो क्लियर कट दिखाता है कि वो जो रॉक स्ट्रक्चर है इट इज़ अ शेप ऑफ शिवलिंग, इट इज़ अ शेप ऑफ शिवलिंग ऑन द कैलाश, ठीक है, ऑन द कैलाश विच इज़ टू बी द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा की एक तरीके से मैनिफेस्टेशन है, दैट मीन्स वो लॉर्ड शिवा को हम याद कर लेते हैं जब भी वो शिवलिंग हमें देखने को मिलता है, इट इज़ अ एक प्रतीक ऑफ लॉर्ड शिवा, इतना आप याद रखेंगे, क्लियर हो गया। तो बिल्कुल आपने याद रखना है, ये बेसिकली हर साल 8th डे ऑफ लाइट हाफ ऑफ मून जो है इन द मंथ ऑफ बधून एक फेयर जो है लेक में ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिम्स आते हैं, बट इस बार कम होंगे, इस बार ऑब्वियसली जस्ट फॉर अ सेक ऑफ रिचुअलिस्टिक पर्पसेस इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो इतने सारे पिलग्रिम्स नहीं आएंगे, मना है। ओके नाउ इसके अलावा ये जो माउंटेन है ये शिवा चौगन बाय दी लोकल पीपल भी कहा जाता है। ये जो स्नोफील्ड माउंटेन्स होते हैं इनके बेस पे जो स्नोफील्ड होती है जमा, उसे हम शिवा फील्ड ऑफ शिवाज चौगन बाय लोकल पीपल भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसको आपने ध्यान में रखना है। मणि महेश यात्रा रिचुअलिस्टिक इस टाइम पे है, और साथ ही साथ इसके क्या क्या फीचर्स हैं इस यात्रा के, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। ये आपका कवर हो जाएगा स्टैटिक हिस्ट्री ऑल्सो एंड करंट जो एस्पेक्ट है इस यात्रा के बारे में। नो दिस इज समथिंग जो आपके प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेफिनेटली इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स प्रस्पेक्टिव, कि आपको वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि क्या फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इट इज़ रिलेटेड टू फार्मर्स प्रोटेस्ट, दैट मीन्स कि लो रेट मिल रहे हैं, ये लो रेट्स मिल रहे हैं जितने भी एप्पल ग्रोअर्स हैं उनको जो है लो रेट्स मिल रहे हैं, उनको वो प्राइस नहीं मिल रहा जो एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं वो लोग, कि और इसी वजह से दे आर मूविंग टूवर्ड्स APMCs, राइट। अब एक्चुअली क्या है कि जितने भी ये एप्पल ग्रोअर्स हैं दे आर गेटिंग अ वेरी लो रेट फ्रॉम दी अदानी एग्री फ्रेश लिमिटेड से, इनको लो रेट मिल रहा है और वो रेट जो है वो वेरी कर रहा है 12 रुपये पर केजी से लेके 72 रुपये पर केजी के हिसाब से, राइट। इससे ज़्यादा ये लोग ये जो है अदानी एग्री फ्रेश दे आर नॉट प्रोवाइडिंग दम, इसीलिए ये आप कहाँ जा रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमेटी के पास, परवानू के पास, टू सेल देयर प्रोड्यूस, ताकि आप हमारा जो ये प्रोड्यूस है उसको खरीद लीजिए। सो ये एक कंसर्न है, ये बोला जा रहा है इन एप्पल ग्रोवर्स के द्वारा कि हमें जो है हमें वो प्राइस नहीं मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए, बिकॉज ये जो अदानी ग्रुप है ये हमें उतना प्राइस दे नहीं रहे, इनका बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड प्राइस जो है वो है, ठीक है। सो 400 से लेके 2000 पर बॉक्स जो है वो प्राइस मिल रहा है, पर बॉक्स मिल रहा है, राइट, इतना आप याद रखिए। प्ले द की रोल इन लोएस्ट प्राइस ऑफ व्हाट दे आर सेइंग इज इट इज़ द लोएस्ट प्राइस, कि हाँ जब सेल कर रहे हैं तो जो हमें प्राइस मिल रहा है दैट इज़ द लोएस्ट वन, तो इससे ज़्यादा मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए ये कलेक्शन सेक्टर जो है यहाँ पे इस तरीके से जा रहे हैं, आप याद रखेंगे इसका। थोड़ा सा आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ मेन्स परस्पेक्टिव के हिसाब से है, राइट। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए, CM जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने बेसिकली इनवाइट किया है इंडियन डायस्पोरा को कि आप आइए हिमाचल के अंदर एंड इन्वेस्ट कीजिए। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा एक सक्षम है, अगर हम लोग बाहर की बात करते हैं जो हमारे इंडियन कम्युनिटी है वो बहुत ही अच्छे लेवल की है वहाँ पर, और उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है जहाँ तक हम बात करें इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वहाँ पे है।
और यही चीजें जो है कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे देश की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के अंदर। तो हमारा जो देश है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के अंदर जो है ये जरूर यूज करता है, वो क्या यूज करता है, दैट इज इंडियन डायस्पोरा। करेक्ट, वही चीज जो है हमारे स्टेट के सीएम कर रहे हैं कि बेसिकली हुआ क्या, रिसेंटली एक इंडो यूएस सिंपोजियम हुआ, इंडो यूएस सिंपोजियम हुआ जो फोकस करता है हिमाचल प्रदेश को, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंडो अमेरिकन बिजनेस एंड आर्ट्स काउंसिल ने इन एसोसिएशन विद इंडियन कौंसुल जनरल ऑफ सैन फ्रांसिस्को, और सपोर्ट किया गया है हिमाचलीज के द्वारा जो रहते हैं बे एरिया में थ्रू अ वर्चुअल इंटरफेस। तो यहाँ पे एक वर्चुअल मीटिंग हुई है और जिस मीटिंग के अंदर सीएम ने ये बोला है कि हमारे स्टेट के अंदर ये चीज़ें हैं जिस चीज़ जो कि प्रोग्रेसिव हैं, तो यहाँ पे आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट करके स्टेट को भी आगे बढ़ाइए और बेनिफिट भी उठाइए। करेक्ट, सो ये स्टेट स्पेसिफिक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की जा रही है, राइट? ओके, नाउ हमारा जो स्टेट है वो किस एरियाज में अच्छा है, इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स जो हैं ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, बिकॉज हिमाचल प्रदेश जो है इट इज़ द लीडिंग स्टेट, वन ऑफ द लीडिंग स्टेट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बट उस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, जैसे ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर MSME, ठीक है, फॉर सेटिंग अप द यूनिट्स। इसके अलावा ऑनलाइन रेगुलर ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग बाय चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। सो ये सारे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरामीटर्स हैं, हिमाचल प्रदेश उसमें बहुत अच्छे लेवल पे उसने परफॉर्म किया है, राइट? तो इन्वेस्टर्स जो हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस सिम्बोइज्म के अंदर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि हम लोग जो है वी आर ओके विद दी इन्वेस्टिंग इन दी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एंड IT सेक्टर। तो ये IT और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि हिमाचल किस एरिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में परफॉर्म कर रहा है अच्छे लेवल पे, राइट? चलिए, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, इट रिलेट्स टू बायोफ्यूल। बायोफ्यूल, अब देखिए बायोफ्यूल को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, ऑब्वियसली पॉल्यूशन कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज का एक मुद्दा है पूरा का पूरा, और ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं हम लोग, पॉल्यूशन कम क्यों कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स को क्यों कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर हम लोग अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग नया नया इनोवेशन ला रहे हैं, और उसी इनोवेशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पाइन ट्रीज होती हैं या पाइन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, पाइन ट्रीज, इनकी जो नीडल्स होती हैं, इनकी जो नीडल्स होती हैं उसका हम लोग यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू मेक दी बायोफ्यूल, और यही बायोफ्यूल जो है आगे पेट्रोल की जगह ले सकता है या पेट्रोल के साथ इसको हम लोग यूज़ करके आगे अपने व्हीकल्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, आप देखिए ये जो पाइन नीडल्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्या है, पाइन जो ट्रीज़ हैं, जैसे पाइन ट्रीज़ कौन सी हैं ये आपने देखा होगा बहुत सारे हिमाचल के पहाड़ी एरियाज में, ये इस तरीके के ट्रीज़ होते हैं, ये ट्रीज़ के जो पाइन होते हैं, मतलब जो नीडल्स होती हैं वो बेसिकली क्या है, उनका यूज़ किया जाएगा टू मेक अ ग्रीन बायोफ्यूल विच इज़ कॉल्ड इथेनॉल। अच्छा, अब ये जो इथेनॉल है जब इन नीडल से बनाया जाएगा तो इसको क्या किया जाएगा, ब्लेंड कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, ब्लेंड कर दिया जाएगा किसके साथ, पेट्रोल के साथ। तो इसको इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो करके पेट्रोल की एफिशिएंसी कम नहीं होती, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ब्लेंड करके क्या कर देंगे, उस पेट्रोल का यूसेज किया जाएगा, राइट? क्लियर हो गया। चलो, ये किसने किया है डिवाइस या किसने ये इंट्रोड्यूस किया है, बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नॉनी के अंदर ये है, ठीक है, उन्होंने ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है निकाला है कि हम लोग पाइन नीडल्स का यूज करके बायोफ्यूल बनाएंगे जो कि इथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाएगा पेट्रोल के साथ, और उसको जब यूज किएंगे करेंगे तो बहुत ही 100% एफिशिएंट परफॉर्म करेगा वो होल इथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है, पेट्रोल। क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो नीडल्स होते हैं ना, ये नीडल्स जब सूख जाते हैं, सूखने के बाद जब ये नीचे गिर जाते हैं, तो नीचे गिरने के बाद क्या होता है, दे आर द मेजर कॉज ऑफ फॉरेस्ट
फॉरेस्ट फायर इन दीज माउंटेनियस रीजन्स. आपको पता है जंगलों में आग लगती है, हिमाचल के जंगलों में आग लगती है, उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती है. इसका रीजन मेजर ये होता है बिकॉज ये जो नीडल्स होती हैं ये जब सूख के नीचे गिर जाती हैं तो ये फिर फॉरेस्ट फायर बहुत जल्दी कैच कर लेती है, क्योंकि इनके बीच में होता है रेसिन. इनके बीच में होता है वो रेसिन का एक सब्सटेंस होता है जो बहुत जल्दी जो है फॉरेस्ट फायर को कैच कर लेता है. आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी. आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि ये जो नीडल्स होती है, ये जो पाइन है, ये जो पाइन ट्रीज होती हैं, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आती हैं, अंडर विच कैटेगरी. विच कैटेगरी मतलब इज इट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट या फिर डेसिडियस फॉरेस्ट, आप बताएंगे. और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये आपको मेजरली देखने को मिलेंगे वेस्टर्न हिमालयाज़ में. वेस्टर्न हिमालयाज़ आपको पता है, वेस्टर्न हिमालयाज़ के अंदर ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे. करेक्ट हो गया. चलो अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं. अब ये जो प्रोजेक्ट है ये क्लियर हो गया. सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल जो है वो बनाया जा सकता है इन नीडल्स का इस्तेमाल करके और इथेनॉल में कन्वर्ट करके, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल. इसको फंड किसने किया? नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज और साथ ही साथ जीबी पंत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एल्मोरा. थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि फंडिंग कहाँ से आई है. बिल्कुल. अब ये जो इथेनॉल होता है ये कहाँ से बनता है? फूड आइटम्स जैसे शुगर केन, राइस से बन जाता है. लेकिन देखो अब बहुत कमाल की चीज़ है कि इथेनॉल तो हम लोग फूड आइटम से भी बना सकते हैं, जैसे शुगर केन हो गया, राइस हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिससे बना सकते हैं, बट दोज आर फूड आइटम्स. अंडरस्टैंड, अगर फूड आइटम से हम लोग ने इथेनॉल एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, समझ के देखिए, तो क्या फूड क्राइसिस नहीं होगा? ऑलरेडी वर्ल्ड के अंदर फूड क्राइसिस है. हंगर इंडेक्स के अंदर हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. तो अगर हम लोग फूड से इथेनॉल बनाना शुरू कर देंगे तो फूड क्राइसिस हो जाएगा. तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव चीज़ हो चुकी है कि इथेनॉल अब कहाँ से बनाया जाएगा? पाइन नीडल से बनाया जाएगा. पाइन नीडल से बनाया जाएगा, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, क्योंकि नीडल्स का जो काम है वो इस तरीके से यूटिलाइजेशन होगा. तो दो चीज़ें होंगी, एक तो फॉरेस्ट फायर नहीं लगेगी और दूसरी चीज़ होगी कि फूड आइटम से जो इथेनॉल होए बनेगा वो अब नहीं बनेगा, फूड हमारा बच के बचा रहेगा. अंडरस्टैंड? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे. नाउ एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज़ एमिंग टू स्विच टू 20% ऑफ ब्लेंडिंग. ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाएगा पेट्रोल के अंदर 2025 में. तो ये टारगेट है आपके पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, कि गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 2025 तक हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, 20% तक हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग करना शुरू कर देंगे पेट्रोल के अंदर. ठीक है, ताकि इस तरीके से हो. इट इज़ अ इको फ्रेंडली मैनेजमेंट. आप बिल्कुल इसको ध्यान दे सकते हैं. ओके, नाउ एक और एक करंट इवेंट है. जस्ट हमने इतना याद रखना है कि पैरा ओलंपिक में हमारे जो एथलीट्स होते हैं वो बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करते हैं. तो ये जो पैरा ओलंपिक है, बिल्कुल आप याद रखेंगे कि इसमें जो है सिल्वर मेडल जीता है हमारे निशात कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है. इसको याद रखिए कि किस कैटेगरी में जीता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. कैटेगरी जो है वो है मैन हाई जम्प T47 इवेंट आफ्टर क्लियरिंग 2.09 मीटर्स. तो थोड़ा सा आपने कैटेगरी को बिल्कुल याद रखना है कि कौन सी कैटेगरी में इन्होंने ये पैरा ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट जो है निशात जो है वो जीते हैं. राइट, तो इतना आप ज़रूर याद रखेंगे. इसके अलावा और इसमें कुछ खास नहीं है. ओके, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज CM जो है उन्होंने विजिट किया है शी हाथ. एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे फीमेल्स को एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग फीमेल का एक उनको कैरेक्टर मिलता है. राइट, अब ये जो कॉन्सेप्ट है, जयराम ठाकुर जी जो CM है हमारे, उन्होंने बेसिकली एक प्रशंसा की है इस शी हाथ की, विच इज बाघ पशोग ऑन कुमार हट्टी नाहन हाईवे के ऊपर. बेसिकली ये शी हाट होते क्या है, ये बेसिकली इस तरीके से एक स्टॉल होते हैं या थोड़े बहुत छोटे मोटे रेस्टोरेंट होते हैं जो रोड साइड होते हैं. ठीक है, किनारे पे बने होते हैं, रोड्स के किनारे पे बने होते हैं, जहाँ पे अलग अलग फीमेल्स होती हैं वो अलग अलग चीज़ें जो हैं सेल करती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इस शी हाट ने जो कि बाघ पशोक के अंदर है कुमार हट्टी नाहन हाईवे के ऊपर, इन्होंने 14 लाख रुपए का सेल किया है, 14 लाख रुपए का सिंस दिसंबर से. राइट,
तो अब इसमें क्या है, ये सेल करती हैं जैसे कोई भी ट्रेडिशनल चीज़ हो गई, या कोई नेचुरल या ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इन्होंने बनाया है वो हो गई। इसके अलावा ये पहाड़ी कुजेन जो है ऑफर करती हैं, जो अपना पहाड़ी खाना होता है, हर एक जगह का अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का, उसको वो सर्व करती हैं, और होम स्टे फैसिलिटी भी ये विजिटर्स को देती हैं, राइट। अब यहाँ से इनको जो है ये सारी चीज़ें इन्होंने इतनी सेल की हैं, राइट। अब देखिए शी हाट का और अंडरस्टैंडिंग ले, तो इट इज़ अ वे साइड एमिनिटी, मतलब रोड के किनारे पे इतना प्रॉपर एमिनिटी दिया जाता है, ठीक है। लोकल शॉप्स होती हैं, या तो रेस्टोरेंट हो सकता है, या गेस्ट रूम हो सकता है, या फिर बेसिकली कौशल विकास केंद्र भी हो सकता है ये। और बेसिकली याद रखें, इंटायर जो प्रोडक्ट होता है, प्रोजेक्ट है, वो फीमेल के द्वारा बनाया जाता है, चलाया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पे ये फीमेल्स चलाती हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को और बढ़ावा देने के लिए ये किया जाता है, कॉन्सेप्ट किया गया है, जिसमें दे सेल वही चीज़ें, ट्रेडिशनल नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोड्यूस या पहाड़ी फूड जो है उसको सर्व किया जाता है, राइट। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पे फैसिलिटीज़, रहने की फैसिलिटीज़ भी हो सकती है, सोलर पावर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, वेस्ट कंपोस्टिंग होता है, और एक्यूप्रेशर ट्रैक या एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स भी यहाँ पे होते हैं, तो आप इसको ज़रूर इतना ध्यान दीजिएगा। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एक छोटी सी न्यूज़ है, उसको ध्यान से जल्दी पढ़ लेंगे। देखिए शिमला जो है, शिमला एक शिमला फिल्म है जिसका नाम है अमर कॉलोनी। अमर कॉलोनी विच इज़ अ शिमला फिल्म, शिमला के ऊपर बेस्ड है, शिमला की स्ट्रीट्स के ऊपर ये फिल्म आधारित है। इस अमर कॉलोनी की जो स्टोरी है, दैट इज तीन औरतों की स्टोरी है, दैट टॉक्स अबाउट रिग्रेट, लोनलीनेस इन द शिमला हिल्स। अब ये जो फिल्म है, इस फिल्म को डिसाइड किया है कि एक जो फ्रेंच अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर है, जिनका नाम क्या है, मार्क मार्डर। मार्क मार्डर ने डिसाइड किया है कि मैं इस फिल्म को बेसिकली म्यूजिक दूंगा, मैं इस फिल्म को बेसिकली म्यूजिक दूंगा। तो आप थोड़ा सा ऐसे याद रख लीजिए, बिकॉज प्रीलिम्स में ऐसे यूनिक यूनिक से पॉइंट जो होते हैं ये पूछ लिए जाते हैं। तो मार्क मर्डर जो है, उन्होंने बेसिकली ये कंपोज करने का डिसीजन लिया है रिगार्डिंग दिस अमर कॉलोनी, दैट इज इट, नॉट मोर देन दैट। ये फिल्म है, टॉक्स अबाउट कि एक फीमेल, तीन फीमेल्स के बारे में, लोनलीनेस, रिग्रेट, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, राइट। सेंट्रल थीम वही लव, रिग्रेट, एम्प्टीनेस, फाइट फॉर फुलफिलिंग द डिजायर, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने कवर कर लिए थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट के इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, एंड जो जो मैंने बीच में आपसे सवाल पूछे, आप ज़रूर उनका आंसर दीजिएगा। और इफ़ एनी डाउट, क्वेरी, या कोई एनी थिंग यू वॉन्ट सम चेंजेस, जस्ट डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।